Hey cuties, so welcome or welcome back to my channel. So guys, in today's video, I'm going to create this makeup look. और ये बहुत ही perfect makeup look है इस season के लिए So yeah, without any further ado, let's jump into the video. Without makeup, मेरा face देख सकते हो अच्छा है वैसे but ठीक है makeup की जरूरत है थोड़ी Firstly use करेंगे सेटाफिल का moisturizer. अच्छा सोचो कि sunscreen क्यों नहीं apply की Already मैंने uh, जो है CTM routine follow रूटीन फॉलो किया हुआ था बट मैंने सोचा कि अगेन मॉइस्चराइज कर लो तो आजकल मैं सीटाफिल की मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ तो अगेन यूज़ कर लिया देन प्राइमर यूज़ करेंगे मामा अर्थ का है बहुत बढ़िया है गाइस सिलिकॉन बेस्ड है पोर्स को ब्लर आउट कर देता है बहुत प्यारा प्राइमर है फिर यूज़ करेंगे स्विस ब्यूटी का आ, ये कंसीलर जो कि है जीरो थ्री शेड में परफेक्ट शेड है अगर मैं सिर्फ इसी को यूज़ कर लूँगी ना गाइज तो भी आई एम गुड टू गो मुझे कुछ अलग से ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की मतलब कुछ भी कंसीलर अलग कोई फाउंडेशन अलग नहीं जरूरत है नींद कि अप्लाई करूँ फेस पे बट uh, मेरे को लगता है कि ठीक है आप थोड़ा अच्छा लुक क्रिएट कर रहे तो यूज़ कर लेंगे नहीं तो मैं इसके साथ भी काम चला लेती हूँ परफेक्ट शेड है इसलिए इसको पहले अप्लाई किया है जैसे कि जो भी डार्कनेस है उसको ये कंसील कर ले फिर यूज़ करूँगी मामा अर्थ का ये फाउंडेशन जो कि है वाइटामिन सी एंड टर्मरिक फाउंडेशन डॉट 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 करके अप्लाई करेंगे अच्छा गाइज अभी जो है अमेजन से सारे प्रोडक्ट मैंने लिए हैं और इनका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज एक सिंगल माई हॉस्ट रू का लिंक मिलेगा जहाँ पर अमेजोन का, का सारा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा और गाइज अभी अमेजन पे चल रही है प्राइम डे सेल जो कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी फर्स्ट तक चलेगी चेकआउट कर लेना उस पर अप टू फिफ्टी टू एटी परसेंट मिलेगा आपको बहुत ही बढ़िया ऑफ चल रहा है प्लस आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी फोर लैक प्लस टाइटल्स पे ओके और फिफ्टी टू एटी परसेंट ऑफ मिलेगा आपको फिफ्टीन प्लस टॉप ब्रांड्स पे सो तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलें लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से ब्लेंड कर लिया ये फाउंडेशन ना तो मैट है और ना ही डी है ये इन बिटवीन काइंड ऑफ है फुल 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 कवरेज देता है तो एक हैवी लुक क्रिएट कर रही हूँ मैं पार्टी वेयर काइंड ऑफ जो कि समर में और बारिश में कहीं भी टस से मस ना हो पानी भी गिर जाएगा इसके ऊपर तब भी गाइस ट्रस्ट में मेकअप कहीं भी नहीं जाने वाला ओके सो so, ऐसा मेकअप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी चीज़ों को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे लैकमे का कॉम्पैक्ट बहुत बढ़िया वाला कॉम्पैक्ट है ऑलरेडी इसमें एस भी आती है और क्रीज लाइन जहाँ जहाँ पड़ती है जैसे आई लिट पर पड़ेगी स्माइल लाइन्स पड़ सकती है तो वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ एज वेल एज मैं ना हल्का हल्का फेस पर अप्लाई कर रही करी जैसे कि जो ड्यू रेस है वो जाए भी नहीं और फेस सेट भी हो जाए अब यूज़ करेंगे आई लुक के लिए नायका का ये आ, फोर आई शेडो वाला पैलेट और ये काज मैं यूज़ एंड अब यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे इसी को यूज़ करती हूँ जब भी रेडी होना है लाइफ के लिए मेकअप शूट्स के लिए जब भी अच्छा क्रीज लाइन पे इसको अप्लाई किया फिर ये रिवल्यूशन की पैलेट में से पिंक कलर को अप्लाई किया है थोड़ा डार्किन करने के लिए क्रीज़ को अभी आप आउटर वी पे हम थोड़ा सा अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं दो शेड को मिक्स करके फर्स्ट ये पर्पल एंड देन ये ब्लैक दोनों को मिक्स करके एक अलग सा शेड क्रिएट हो जाएगा आउटर वी पे अप्लाई करने के बाद हल्का हल्का इनर साइड उसको ब्लेंड करेंगे जिससे कि जो आपकी आई शेडो है और आई जो लुक है वो थोड़ा सा डिफाइंड लगता है अगर आप आउटर वी पे कोई डार्क शेड को अप्लाई करते हैं आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हो और अभी ये ब्लेंड होने के बाद लग ही नहीं रहा कि ये इतने डार्क शेड मैंने यूज़ किए थे इसलिए ब्लैंडी ब्लीटी इज़ द की ऑफ मेकअप ओके नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ये एक शिमरी शेड आप चाहे तो मैट लुक के साथ भी जा सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू कोई पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं तो ये वाला आई लुक कर लो ये हर आउटफिट के साथ चल जाएगा हर आउटफिट के साथ नो डाउट ओके अभी सबको सबको ब्लेंड कर लो सब चीज़ें जितनी भी अप्लाई की अभी तक आई लुक में उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो आई लुक रेडी हो चुका है अभी थोड़ा सा अच्छा क्रिएट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे लाइनर जो कि है बिल्ली का कॉलॉसल लाइनर चाहो तो डायरेक्टली मुस्कारा की तरफ जा सकते हो मैं इसमें फॉलसीज अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज मे को इतने अच्छे से लगानी भी नहीं आती और मैं इतना कम्फर्टेबल भी नहीं हूँ राइट अगर आप लगाओगे इस लुक के साथ तो चार चांद लग जाएंगे एक आई लुक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बोलूँगी कि हाँ पार्टी के लुक ऐसा पार्टी लुक क्रिएट कर रहे हो तो फॉल्स इज अप्लाई कर लेना ओके तो मस्कारा एक विंगी सा मतलब लाइनर ड्रॉ करेंगे मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूंगी गा बाद में पहले हम इसकी तरफ बढ़ते हैं आईब्रोज की तरफ जो कि ये सुइस भी थी कि आईब्रो पेंसिल अभी ये इस मैं बाई किएगा इस पहली तो इसकी जो लुकिंग है ना वो इतनी एक्सपेंसिव है जो कि इतनी अफोर्डेबल है मतलब इसकी एक्सपेंसिव लुक की वजह से ही मैंने स्पेशली लिया पेंसिल पट ये बहुत ही प्यारी पेंसिल है आईब्रोज़ को फिल करने का एक मंत्र ये है कि अगर आपकी नेचुरल आईब्रोज बहुत थिक हैं तो उसी शेप में आईब्रोज को कर लो ठीक है फिल नहीं तो हल्का सा ऊपर लेके थोड़ा डिफाइन करके आईब्रोज को फिल कर लो ठीक है हल्का सा ऊपर लो जो नेचुरल आईब्रो है ज़्यादा ऊपर मत लेके जाना नहीं तो फेक लगेगा फिर हल्का हल्का इनर साइड में उसको बहुत ही लाइट लाइट स्ट्रोक फिल करो एंड देन सभी को स्पूल की हेल्प से कोम कर लो एंड या गुड टू कोम नेचुरल से आईब्रो फिल हो जाएंगे और लगते भी प्यारे हैं आप यूज़ करेंगे मार्स का करें, ये मस्कारा जो कि है डबल ट्रबल इसमें दो ऐसे बॉन्ड आते हैं एक लेंथ के लिए होता है एक वॉल्यूम के लिए एंड गाइस ट्रस्ट मी मतलब आजकल मार्स और स्विज ब्यूटी बाई क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं मतलब आप हाई एंड प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो इतने बेस्ट प्रोडक्ट है हाईली रिकमेंड करूँगी बाई जरूर कर लेना लिपस्टिक के लिए दो कॉम्पर यूज़ करेंगे जो कि रिसेंटली मैं यूज़ कर ही रही हूँ वही इसमें करूँगी आजकल मैंने जो पसंद आते हैं ना वही प्रोडक्ट यूज़ किया फर्स्टली स्विज ब्यूटी का लिप क्रॉन यूज़ करूँगी 22 कॉफी शेड है देन शुगर का लिप क्रियन यूज़ करूंगी जो कि ट्वेंटी एट हानी राइडर दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक बहुत प्यारा सा मोविश पीची काइंड ऑफ शेड आएगा जो कि मुझे ये लिप कॉम्बो करंट फेवरेट है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और मेकअप लुक में एक दो तो साल हो गए मुझे शेयर किए हुए बहुत मन था कि एक ऐसा बेसिक सा लुक शेयर कर दूं तो मैंने कर दिया ओके okay? मामाट का लिप एंड चिक टिट यूज़ करूँगी फुल फेस वैसे भर के अप्लाई कर लिया है नोज पे चिक्स पे चिन पे और फोर हेड पे भी क्योंकि मैं अलग से कोई भी कुंट और कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं कर रही और इसी से ही थोड़ा ऐसे ऊपर की साइड ब्लेंड करोगे तो एक चिजल्ट लुक आ जाता है कोई भी ब्राउजर वगैरह की नीड नहीं पड़ती आप दोनों साइड में डिफ्रेंस भी देख सकते हो कि मेरा थोड़ा फेस चिजल्ट हो गया थोड़ा ऐसा हो गया कि हाँ एक शेप दे दिया फेस को अच्छी सी है ना फोर हेड पर इसलिए उसको अप्लाई किया बिकॉज फोर हेड थोड़ा सा चोड़ा है तो उसको थोड़ा ऐसा दिखाएगा छोटा सा <laughs> इसलिए हम थोड़ा ऐसे पागल बना देते हैं लड़कों को एनीवेज अब ये यूज़ करेंगे हाईलाइटर ये मेबलिन का हाईलाइटर है इस ये मेरा एक टाइम पे इतना फेवरेट था और जब ये अपाई किया था फर्स्ट टाइम मतलब मैं पागल हो गई थी कि यार मैंने क्या तो प्रोडक्ट ले लिया इतना गजब का प्रोडक्ट है जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स आप देख रहे हो उन पर अप्लाई कर लेना है ब्रिज ऑफ द नोज़ क्यूपिड बो आईब्रो पे भी आप जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वहाँ पर अप्लाई करेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा एंड ये है फाइनल लुक बहुत ही प्यारा सा अच्छा मुझे लगता है कि बन में ज़्यादा बेटर लग रहा था बताना कमेंट करके ओके okay? सो so, बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में